हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज। और मैं हूँ कृति। आज हूँ डॉक्टर ग्राहम होम्स, पूर्व में सेंट एंड्रयूज कॉलोनियल होम्स के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1900 में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के एक मिशनरी जॉन एंडरसन ग्राहम ने की थी, जो 20वीं सदी के अंत में कलिम्पोंग में बस गए और कई वर्षों तक स्थानीय समुदाय के साथ काम किया। एडिनबर्ग में सिविल सेवा में क्लर्क के रूप में काम करते समय ग्राहम अपने चर्च के मंत्री जॉन मैकमोर्टी से प्रभावित हुए और उन्हें मंत्रालय में नियुक्त होने के लिए प्रोत्साहित किया। 24 सितंबर 1900 को ग्राहम ने 6 बच्चों के साथ किराए की झोपड़ी में डेलो पहाड़ी के नीचे, यानी कि डेलो हिल्स गाइस, बंगाल सरकार से पट्टे पर ली गई भूमि पर सेंट एंड्रयूज कॉलोनियल होम्स खोला। जैसे जैसे घरों का विकास जारी रहा, वह जल्द ही 100 एकड़ जमीन और फिर पिछले कुछ वर्षों में कुल 400 एकड़ जमीन पट्टे पर लेगा। होम्स को एक व्यवसायिक प्रशिक्षण स्कूल के रूप में स्थापित किया गया था, जहां ब्रिटिश सेना के कर्मियों, प्रशासकों और चाय बागान के मालिकों के पर्याप्त बच्चों को एक व्यवसाय सिखाया जाता था और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे ब्रिटिश उपनिवेशों में भेजा जाता था, जहां वे सीखे गए नौकरी कौशल के साथ खुद को स्थापित कर सकते थे। 1901 में पहला कॉटेज खोला गया था, वुडबर्न कॉटेज, जिसका नाम बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पर रखा गया था। उसके बाद के कॉटेज का नाम प्रमुख लाभार्थियों के नाम पर रखा गया था, जिसमें 1902 में खोला गया एलियट कॉटेज भी शामिल था। कैम्बल कॉटेज का नाम संसद सदस्य जे कैम्बल के नाम पर रखा गया। स्ट्रेचन कॉटेज का उद्घाटन 1904 में व्हाइटवे लैडलो एवं कंपनी के सर रॉबर्ट लॉयड लॉ द्वारा किया गया था, जिनकी चाय और रबर में व्यापक रुचि थी, जिन्होंने अपनी मृत्यु पर होम्स के लिए पैसा छोड़ दिया था। 1906 तक होम्स में 187 यानी कि 187 बच्चे थे। 1920 के दशक तक होम्स कॉम्प्लेक्स 600 बच्चों के लिए एक आत्मनिर्भर गांव था, जिसमें एक अस्पताल, व्यायाम शाला और एक खेत था। पहले 20 वर्षों में ग्राहम ने प्रति वर्ष 2 इमारतों की तुलना में औसतन 44 इमारतों का निर्माण किया। होम्स के दिन प्रतिदिन के संचालन में उन्हें स्टाफ के 2 लंबे समय से सेवारत सदस्यों, हेडमास्टर जेम्स सिम्पसन और प्रशासक जेम्स पर्डी द्वारा मदद मिली। ग्राहम की पत्नी कैथरीन की 1919 में मृत्यु हो गई और इसके बाद उन्होंने परिसर में एक चैपल बनाने के अपने सपने को पुनर्जीवित किया। यह 1925 में पूरा हुआ और 24 सितंबर को होम सिल्वर जुबली जन्मदिन पर कैथरीन ग्राहम मेमोरियल चैपल के रूप में समर्पित किया गया। ग्राहम ने अपनी आखिरी इमारत किंडरगार्टन 1938 में पूरी की। अगला वर्ष उनका व्यक्तिगत जयंती वर्ष 1879 से 1939 था और दुनिया भर के शुभचिंतकों ने परिसर में एक नए प्रिंसिपल के घर के निर्माण में योगदान दिया। जुबली हाउस आज भी उन्हें याद करता है। ग्राहम की मृत्यु 15 मई 1942 को हुई और उन्हें उनकी पत्नी कैथरीन के साथ गार्डन ऑफ रिमेम्बरेंस में होम्स परिवार में दफनाया गया। संस्थापक के सम्मान में सेंट एंड्रयूज कॉलोनियल होम्स 1947 में डॉक्टर ग्राहम होम्स बन गया।